नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके एकमात्र भरोसेमंद सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, छोटी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण ऑथेंटिकेटेड हर जानकारी को जानने के लिए देखते रहिए सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल। तो आइए देखते हैं क्या है जबरदस्त घोषणा और किन पूर्व सैन्य कर्मियों के लिए सरकार देगी 50% कंसेशन, यानी कि 50% का योगदान अपनी तरफ से। किसके लिए, आइए देखते हैं पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों, आज की ये महत्वपूर्ण जानकारी सेना मुख्यालय के एजी ब्रांच की तरफ से निकलकर आई है 31 मई 2019 को और जिसका सब्जेक्ट है वन टाइम कंट्रीब्यूशन फॉर ECHS मेंबरशिप एंड एंटाइटलमेंट ऑफ वार्ड इन इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स पब्लिक मेडिकल फैसिलिटीज इन रेस्पेक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर टू वेटर्न्स एंड ECOs, यानी कि जो ECHS मेंबरशिप के लिए एक टाइम का कंट्रीब्यूशन योगदान दिया जाता है सैन्य कर्मियों द्वारा रिटायरमेंट के बाद उनके और उनके बच्चों के ट्रीटमेंट के लिए जिनका इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होता है। और ये स्पेशली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के भूतपूर्व हमारे दिग्गज सैन्य कर्मियों तथा स्पेशल कमीशन ऑफिसर्स के संदर्भ में है। इस लेटर के माध्यम से बताया गया है कि एजी ब्रांच का जो वेलफेयर फंड है उससे 50% जो कंट्रीब्यूशन होता है वो गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा और 50% कंट्रीब्यूशन यानी कि आधा इंडिविजुअल बियर करेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से NCOs तक के लिए 15,000 रुपए का बेनिफिट होगा जबकि JCOs के लिए 33,500 रुपए का बेनिफिट होगा और वहीं अफसर को सीधा सीधा 60,000 रुपए का बेनिफिट होगा जो कि बहुत कुछ मायने रखता है। और ये सुविधा उनको भी मिलेगी जिनको पेंशनरी बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी इस वीडियो में। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।